हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे, सेफ होगे, सब अपनी अपनी जगह पे अच्छे से होगे और प्लान्स बना रहे होगे कि कैसे लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद उन्हें क्या क्या करना है। कुछ लोगों के प्लान्स ये भी होंगे कि हमें जल्द से जल्द लॉकडाउन ख़त्म हो तो हम उसके बाद नए फ़ोन्स लेंगे, क्योंकि यार फ़ोन्स का शौक़ तो सबको ही होता है। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है कि जब हम फ़ोन्स लेने वाले होते हैं तो हम स्पेसिफिकेशंस देखते हैं और हमारा व्यू पॉइंट एक होता है, हम उसमें सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन जहाँ मेन दिक्कत फंसती है वो होता है बजट। तो यार बजट में सारी समस्याएं आ जाती हैं, सारी दिक्कतें आ जाती हैं, बजट से ही सब शुरू होता है, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस तो हर स्मार्टफोन दे ही देता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको उन 5 स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें बहुत ही कमाल के स्पेसिफिकेशंस हैं, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर्स हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके बजट भी बहुत सही हैं, वो आपके बजट में आ सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहला स्मार्टफोन मैं आपको बता रहा हूँ वो है Realme 5i, जो कि जिसका डिस्प्ले है 6.52 इंचेस का डिस्प्ले है और उसका जो स्क्रीन रिजोल्यूशन है वो 720x1600 पिक्सल का स्क्रीन रिजोल्यूशन है। क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 665 के प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि बहुत ही सही प्रोसेसर है। और अगर इसके रैम और स्टोरेज की बात करें तो 4GB का रैम और 64GB का स्टोरेज ले के आता है अपने इस वेरियंट के साथ। और इसकी बैटरी कैपेसिटी कमाल की है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, वो है 5000 mAh की बैटरी। ये क्वाड कैमरा सेटअप के साथ 12-8-2-2 मेगापिक्सल के रियर कैमरा सेटअप है इसका। और अगर बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की तो वो 8 मेगापिक्सल के साथ आता है। और अब इसका प्राइस भी मैं आपको बता दूँ, इसका प्राइस है 8999 रुपये Realme 5i, जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। इसकी जो की पॉइंट मुझे लगता है वो इसका बैटरी कैपेसिटी है। यार इसकी बैटरी कैपेसिटी बहुत ही गज़ब की है अपने मिड रेंज के फ़ोन्स की बात अगर करते हैं तो। दूसरा जो फ़ोन निकल के आता है सामने वो है Realme का ही Realme 5, जिसके डिस्प्ले की अगर बात करूँ तो 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है और जो रिज़ोल्यूशन है वो पिछले वाले फ़ोन की तरह ही 720x1600 पिक्सल का रिज़ोल्यूशन है, जो कि ये भी क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 665 के साथ आता है। और अगर इसके रैम और स्टोरेज की बात करें तो 32GB का स्टोरेज 3GB रैम के साथ ये वाला वेरिएंट आता है मार्केट में, जिसकी बैटरी कैपेसिटी बिल्कुल रियलमी की बैटरी कैपेसिटी तो ख़तरनाक हो ही रही है। तो इनकी भी बैटरी कैपेसिटी वही 5000 mAh की बैटरी है और इनके रियर कैमरा का सेटअप भी क्वाड कोर सेटअप है, 12 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप है। और फ्रंट कैमरा की अगर बात करते हैं तो 13 मेगापिक्सल के साथ आता है इसका फ्रंट कैमरा। दोस्तों, मैं पूरे स्पेसिफिकेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा स्पेसिफिकेशन आपको पता ही होगा, मैं आपको जो की पॉइंट्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। और इसका जो की पॉइंट है वो भी इसकी बैटरी ही है। कैच करते करते थक जाओगे यार। और अगर इसके प्राइस रेंज की बात करते हैं तो ये वाला वेरिएंट जो 3/32 का वेरिएंट है ये 9599 में आ रहा है। इस समय मैं अपडेटेड वर्जन की बात कर रहा हूँ, अप्रैल 2020 के ख़त्म होते होते, ठीक है दोस्तों। तो अब जो तीसरा फ़ोन इसमें निकल के आ रहा है वो है Realme का 3 Pro, और इसका जो डिस्प्ले है वो पिछले दो फ़ोन से और भी बेहतर है, क्योंकि जो इसका रिज़ोल्यूशन है वो 1080x2340 पिक्सल का रिज़ोल्यूशन है। और अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.3 इंचेस का डिस्प्ले के साथ आता है और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 के साथ इसका प्रोसेसर आता है। तो पिछले तो दोनों फ़ोन्स के कंपैरिजन में इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर इसके बात करते हैं इसकी रैम और स्टोरेज की तो ये 4GB रैम और 64GB के स्टोरेज के साथ आता है। अब बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये 5000 mAh तो नहीं है जैसा कि हमारे Realme के पिछले दो फ़ोन्स में दिख रहा था, लेकिन इसकी बैटरी कैपेसिटी भी कम नहीं है, क्योंकि ये है 4045 mAh की बैटरी कैपेसिटी। और इसका जो रियर कैमरा है वो रियर कैमरा का सेटअप है 16 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल
मेगापिक्सल का, जो कि फ्रंट कैमरा अगर बात करते हैं तो 25 मेगापिक्सल के साथ आता है। और जो इसका इतना बढ़िया स्पेसिफिकेशन है, उसके बाद भी इसका जो प्राइस रेंज है 64 GB का, वो 9999 ही है, तो यार मतलब ख़तरनाक है यार। अब बात करने वाला हूँ मैं सैमसंग गैलेक्सी M30 के स्पेसिफिकेशन की, जो कि इन्फिनिटी वी डिस्प्ले के साथ आता है और फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। और जिसका रेजोल्यूशन है वो है 2340x1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन, और मतलब जो इसका स्क्रीन रेशियो है वो 90% से भी ज़्यादा है। और यार अब इसके कैमरे की बात करते हैं, तो जो इसका रियर कैमरा है वो वाइड रेंज की फ़ोटो लेने में माहिर है। और इसके रियर कैमरा सेटअप की मैं बात करता हूँ तो 13+5+5 के साथ मेगापिक्सल के साथ इसका रियर कैमरा सेटअप है, और फ्रंट कैमरा आता है 16 मेगापिक्सल के साथ। और इसका जो प्रोसेसर है वो सैमसंग का जाइनोज 7904 प्रोसेसर है, जो कि सैमसंग खुद बनाती है, और कैमरा भी इसका ठीक ठाक है, वैल्यू फॉर मनी है। इसके डिस्प्ले की बात करते हैं और डिज़ाइन की बात करते हैं तो वो भी कमाल का है, और ये आता है 9999 रुपये में। साथ ये वाला वेरिएंट आता है जिसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो वो बहुत ही कमाल की, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जा रही है आपको, मतलब 10 में से 7 तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर इसके बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। और अब इसका जो ये वेरिएंट है वो आपको मार्केट में मिल जाएगा आराम से, अभी नहीं मिलेगा, मतलब लॉकडाउन ख़त्म होगा, मिल जाएगा आपको आराम से। और ये वैल्यू फॉर मनी के लिए अगर बात करते हैं तो वैल्यू फॉर मनी देता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको लेने में। अब यार हमारी लिस्ट का लास्ट फ़ोन आ रहा है Redmi 8 के साथ, जो कि 6.22 इंचेस का डिस्प्ले आता है 720x1520 पिक्सल के साथ इसका रिजोल्यूशन है। और अगर प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन का 439 प्रोसेसर है। और रियर कैमरा सेटअप की बात करें तो 12 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के दो कैमरे के साथ आता है। फ्रंट कैमरा अगर है तो वो 8 मेगापिक्सल का है। जो इसका रैम और स्टोरेज है वो 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ वाला ये वेरिएंट है। और इसकी बैटरी कैपेसिटी तो काफ़ी अच्छी है, 5000 mAh के साथ इसकी बैटरी कैपेसिटी आती है। तो यार डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन इसका बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। और जो इसका डिस्प्ले है वो भी काफ़ी अच्छा है, सॉफ्टवेयर भी बढ़िया है, परफॉर्मेंस भी अपने प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई कर देता है, बैटरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, कैमरा थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। और अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करते हैं तो वैल्यू फॉर मनी देता है, क्योंकि इसकी डिज़ाइन और बैटरी लाइफ बहुत ही बढ़िया है, इसको जस्टिफाई कर देती है प्राइस को, लेकिन और भी बेहतर हो सकता था। तो दोस्तों यहीं तक था ये वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि 10,000 के रेंज में आप कौन से 5 बेहतरीन स्मार्टफोन ले सकते हैं, जो कि आपके स्पेसिफिकेशंस को मैच करे, आपकी डिमांड को मैच करे, और साथ ही साथ उसका बजट भी ठीक ठाक हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा।